बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट मैंने कर दिया था लेकिन मैंने स्टार्टिंग नहीं करी थी, सो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया अपना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? और आज है ईद का फोर्थ डे, चौथा दिन है ना आज। हाँ, तो आज मैंने सोचा आज मैं वीडियो बनाती हूँ। सुबह से काम वगैरह बहुत सारे हो गए थे। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बार पूछा था कि मैं अपने रूटीन की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूं, बट कोई जवाब नहीं आया, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि रूटीन सबके वही होते हैं, सुबह उठना, झाड़ू वगैरह लगाना, चाय, नाश्ता वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखी जाती हैं। तो जो मेन चीज़ होती है हमारी लाइफ की और कुछ हम खाने बनाते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में ना करेले की सब्जी शेयर करी है। तो करेले की सब्जी मैंने जो शेयर करी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को डिटेल्स में नहीं दिखाकर डिटेल्स में बता दूंगी मैं। जैसे कि करेलों को काट कर उनका अंदर का मटेरियल निकाल कर और फेंक देते हैं आप लोग, अगर नहीं फेंकते हैं तो उससे थोड़ा सा कड़वापन लगता है, तो वो आप फेंक दिया करें। ऊपर का अगर बक्कल भी फेंकते जाएं तो फेंक दें, पर मैं नहीं फेंकती उसको भी। मैंने नमक के पानी में, नमक में लगा कर और कुछ भारी सी चीज़ उसके ऊपर रखकर 2-3 घंटे के लिए उसको रख दें, जिससे उसका कड़वापन निकल जाता है, पानी निकल जाता है। और उसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद उसको अच्छे से आप बॉईल कर लें। इतना ज़्यादा बॉईल नहीं करें कि आप दबाएं तो वो करेले जो है ना वो टूट जाए। तो बस इतना करना है आपको, और उनको फ्राई करना है अच्छे से तेल में, भरे से तेल में, ज़्यादा से तेल में। करेले बहुत सारे तेल में बनते हैं। फिर प्याज को ब्राउन कर लेना है, अदरक लहसुन और सौंफ, बस इतना सा हमें मसाला पीसना है। और फिर सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ड्राई पाउडर्स में जो जो डलता है, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर उसको अच्छे से भून लेना है, और फिर करेलों के अंदर उसको फिल कर देना है। आगे की वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिली जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और जो जो आगे आगे होता जाएगा वो आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करती जाऊँगी। फिलहाल अभी आप वीडियो इन्जॉय करें। तो यहाँ पर ना मैं करेले बना रही हूँ। आप लोगों को डिटेल्स में मैंने बता दिया है कि किस तरीके से मैं ये सारी प्रोसेस मैंने की है। तो इसमें मैं करेले के जो ऊपर का बक्कल होता है ना वो शामिल भी कर दे रही हूँ साथ में मसाले के। और बस हल्का सा मैंने मसाला अच्छे से भूंज लिया था। अगर आप लोग ये बक्कल डालकर भी ना भूंज लें अच्छे से तो ठीक है। अच्छा जी, आज सुबह से इतना ज़्यादा काम था ना घर में, इतना ज़्यादा फैलान था कि क्या ही बताऊँ। ऐसा हुआ, ईद के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी। फिलहाल आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे वीडियो बनाना थी, आप लोगों के साथ में शेयर करना थी, बिकॉज मेरी 2 दिन लेट हो गई वीडियो। और रमज़ानों की थकावट समझ लें या फिर मतलब कुछ भी समझ लें, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। और मैं मतलब ईद के दूसरे दिन तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत सारे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए, क्योंकि रमज़ानों में लास्ट टाइम ना मुझे कपड़े भी सीना थे। और फिर मेरी तबीयत भी ख़राब रमज़ानों से ही स्टार्ट हो गई थी, 1-2 रमज़ान रह गए थे। तो फिर ईद वाले दिन तो अपने आप ही एनर्जी आ गई। अच्छा, रमज़ानों में इतनी नहीं ज़्यादा एनर्जी रहती है ना कि हम बीमार भी होते हैं ना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बीमार हैं, बराबर हमारे काम चलते रहते हैं, बराबर हम तिलावत भी करते रहते हैं। और फिर जैसे ही वो महीना गया, वह सच में हमारे लिए ना एक तोहफा वाला महीना है, बहुत सुकून, सब्र और बरकती महीना है। उस महीने में पता नहीं कैसी क्या रहमत है ना कि हर चीज मानो इतनी अच्छी लगती है ना। रमजान चले गए ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज मैं कह रही अपने हस्बैंड से कि मेरी तबीयत भी ना देखो खराब हो गई रमजान के जाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले जो है ना वो फिल कर लिए हैं और गरम गरम था मसाला। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि वीडियो क्यों बनाई थी, क्योंकि मैं साथ ही साथ में कपड़े भी धोती जा रही थी, घर भी धोती जा रही थी, क्लीन कर रही थी, मतलब डस्ट बहुत हो गई थी। ईद के दूसरे दिन से ही ना 1-2 बार थोड़ी सी आंधी चली ना, तो बस मेरा घर तो आपको पता ही है रोड पर है, तो हद से ज़्यादा आंधी हो जाती है। अच्छा, मैं फ़ौरन से ही धो लेती हूँ, लेकिन जब तक हम उसको डीप क्लीन नहीं करें ना मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पर बस वो सारे काम भी चलते जा रहे थे और मेरी वीडियो भी बनती जा रही थी।
ये मैं पहली मतलब मैंने फर्स्ट या सेकंड बार में फिल कर कर बना रही हूँ। वैसे मैं इसको ना सादा ही बनाती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर भी करे हैं मैंने कई बार किस तरीके से बनाते, तो मैंने सोचा इस बार इस तरीके से बना ला। अच्छा, मेरा ना कीमा करेले खाने का बड़ा ही मन था, लेकिन कीमा नहीं था, चिकन था मेरे पास, बट मुझे चिकन का नहीं खाना था। चिकन का ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, हद से ज़्यादा, वो मुझे नहीं खाना था। और करेलों में ना मटन वगैरह का कीमा होना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, तो फिलहाल तो वो नहीं था, तो मैंने बस मसाले भर के डाल लिया। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि कर ले ले, लेकिन ये करेले ना ईद के रखे थे तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा इनका नंबर आ ही जाना चाहिए। अच्छा, जल्दी जल्दी हो रही थी तो मैं कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी। अगर आप लोगों के पास टाइम है और तो कढ़ाई में ही बनाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने सोचा चलें कुकर में एक सीटी में आ जाएंगे और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। हम वैसे भी हम लेडीज़ ना काम आसान ही ढूंढते हैं कि कुछ काम ऐसे हो जाएँ जो आसान से हो जाएँ। तो बस ये सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे कुकर के अंदर, ऑयल वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल डालने से क्या है ना, अब देखें आप कढ़ाई को ऐसे रख दिया था मैंने और मैं बता रही थी इस तरीके से पकाएं, तो फिर मैंने उसको कहा इस तरीके से नहीं, इसका सारा मटेरियल जो है ना कुकर के अंदर शामिल होगा। अच्छा, आवाज़ मैंने रखी थी बट फिर उसके बाद मैंने आवाज़ को हटा दिया, क्योंकि बच्चों का बाहर शोर आ रहा था, क्योंकि बाहर कपड़े भी धुल रहे थे तो बच्चे मशीन भी बोल रही थी और बच्चे म्यूज़िक भी चला रहे थे, तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, तो उसकी वजह से ना मुझे आवाज़ जो है ना वो बंद करना पड़ी। आप लोग इरिटेट ना हो सिर्फ इसलिए। अच्छा, आप लोग साइड में देख रहे होंगे दाल रखी है, क्योंकि ये करेले जो है ना हमारे यहाँ जब भी बनते हैं ना तो हमारे यहाँ अरहर की दाल ज़रूर से बनती है, ये लाजमी ही है कि दाल तो बनना ही बनना है। दाल बनेगी तभी करेले बनेंगे और करेले बनेंगे तभी दाल बनेगी। अच्छा, दाल बनती है तो चावल भी बन जाते हैं, लेकिन करेले बने ना तो दाल तो डेफिनेटली बनेगी। इसमें मैंने खटाई शामिल कर दी है, आपके पास खड़ी खटाई हो तो वो भी शामिल करें, इमली हो वो भी शामिल करें। कुछ दिनों बाद तो अमियाँ आने लगेंगी, अमी की चटनी वगैरह वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इसके अंदर एक एक करके करेले रख देंगे। अब क्वांटिटी देख लें आप लोग, इतना रखा है मैंने, ये सारे मसाले ये सारे करेले रख दिए हैं, अब इसको हम एक सीटी में पका लेंगे। तो करेले हमारे बन गए हैं और ये देखें बिल्कुल मज़ेदार से कैसे लग रहे हैं, देख रहे हैं। मैं वही प्लेट में निकाल रही हूँ जिस प्लेट में ना मैंने इनको तल कर रखा था, मैं बर्तन नहीं सुना रही हूँ। फर्स्ट पूरी दीवार इनसे ही भर जाएगी एक दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कभी तो कुछ होगा, अल्लाह कभी तो सुनेगा मेरी। इतने सालों की मेहनत ऐसे तो जाया नहीं होने देगा ना अल्लाह। एक हो चुका है मीठा मीठा, इसको बंद करो। चलो चलो चलो, मैं जा रही हूँ ऊपर। थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट कर दें हमारे गेस्ट, आज से हमने अपना खाना पीना बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मम्मी के आ रहे हैं गेस्ट, तो उनके लिए मम्मी अभी से ही 2 दिन पहले से तैयारी स्टार्ट हो गई है। खुल गया क्या? इसको बाद में ला लेंगे, तो अभी से हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया है बनना। ठीक है, चाशनी की भुजिया बना रहे हैं, पूरी हो जाएगी फाइनल, फिर देखा। चाशनी की भुजिया बना रही हो? चाशनी की बना रही हूँ। तो ये मोटा रखा है आपने, इसकी परत मोटी? हाँ मोटी है। क्या बेटा? और चाशनी गाढ़ी रखना मम्मी, क्या कह रही हूँ? गाढ़ी रखना, गाढ़ी है ना चाशनी, अभी बन रही है गाढ़ी, देखो बहुत बहुत गाढ़ी होगी ना तभी जो सही रहेंगी भुजिया। क्योंकि इसमें ना एक
वैसी वाली होती है, एकदम थिक वाली। थिक वाली बना रही है मैं, थिक वाली। हाँ, क्योंकि अगर पतली होगी ना तो भुजिया सॉफ्ट हो जाएगी। लेके आए और एक नई चीज लेके आए। अच्छा, ब्रश काम करते ये लगाते हैं ना, ये जलते नहीं है? नहीं, ये नहीं जलते। किचन का लेके आया, नहीं अभी चाशनी पकना है। अभी चाशनी बन नहीं, अभी तो ये सेकूंगी जब तक और हो जाएगी, ठीक है, जब तक हो जाएगी। और ये सारी तैयारी हो रही है निक्की की, निक्की के लिए। निक्की आ रही है ईद की दावत पे अपने मायके, तो उनके हस्बैंड आ रहे हैं और सास ससुर जो कोई भी आएगा वो तो आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन अभी से तैयारी कर रही है। वो अपनी भुजियाँ बना रही है, हलवा बना रही है। और क्या क्या बनाओगी? और मैं बहुत सी, ये दो तरीके की भुजियाँ हो जाएंगी, एक थोड़ी सूखी बनाऊंगी और फिर ये फलूदा, भी बहुत सी चीजें बनाने वाली हैं। हाँ, मम्मी बहुत सी चीजें बनाने वाली हैं और अभी मम्मी जो जो बनाती जाएंगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करते जाएंगे। अभी भुजियाँ और हलवा मम्मी बना रही है। तो यहाँ पर ना मम्मी चाशनी में डाल डालकर ना इनको निकाल रही हैं। तो ये मम्मी की हो गई रेडी, उसके बाद मम्मी हलवा जमाएंगी और उसके बाद मम्मी मटरी भी बनाएंगी। तो ये सारी तैयारी आप लोगों को पता ही चल गया है कि किसके लिए हो रही है। निक्की आ रही है भाई हमारे यहाँ पर, उनकी दावत है, उनके ससुराल वाले आ रहे हैं, तो मम्मी स्पेशली उनके लिए दावत का इंतजाम कर रही हैं। दो तीन दिन पहले से ही लग गई हैं अपने काम पर। और तो बस यहाँ पर उनकी तैयारी भी हम लोग साथ साथ में शेयर करते जाएंगे आप लोगों के साथ में। वो लोग आएंगे तो इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टा पर फेसबुक पर फॉलो करें मुझे और बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। अगर पसंद आई हो तो भी शेयर करें, नहीं आई हो तो भी शेयर करें। भाई मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को शेयर करना ही है, और एमी को मन नहीं मानना था, एमी को खाना ही है। तो बस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।